हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीश राज, यूपीएससी जीपीएससी कोच डायरेक्टर पीडी गुरुकुल वडोदरा, और आज पीडी गुरुकुल लेकर आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 के जनरल स्टडीज 1 की एनालिसिस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे गए, क्यों पूछे गए, और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस एंड आंसर्स। सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं कि यूपीएससी ने इस साल कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की अगर बात करें तो 14 क्वेश्चंस, जी हां 14 क्वेश्चंस पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पूछे गए हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री से बात करें तो 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे गए हैं। हिस्ट्री को भी अगर आप डिवाइड कर लें, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो 5-5 क्वेश्चंस तीनों सेक्शन से आए हैं, एंशियंट से 5, मिडिवल से 5 एंड मॉडर्न से 5। इसके बाद बात करते हैं इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी की। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी से इस बार 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनवायरमेंट हमेशा की तरह बहुत फेवरेट सेक्शन रहा है यूपीएससी के अंदर, और इस बार भी लगभग 14 क्वेश्चंस एनवायरमेंट से पूछे गए हैं। इकोनॉमी हर साल की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया, और 19 क्वेश्चंस, जी हाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इकोनॉमी सेक्शन से इस बार पूछे गए हैं, 19 क्वेश्चंस आर देयर। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स इकोनॉमी, पॉलिटी एंड एनवायरमेंट में तो पूछा ही गया है, साथ साथ अलग से कुछ फ्रिंज क्वेश्चंस, अलग से क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा की तरह यूपीएससी ने पिछले 4-5 साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा वेटेज दिया है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इस बार 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जी हां 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ अगर आप कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को देख लें, इंटरनेशनल रिलेशंस को मिला लें, तो लगभग 3 क्वेश्चंस मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर से पूछे गए हैं। तो अभी हम 100 क्वेश्चंस जो हैं इसको डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस इस बार किस तरह से पूछे गए हैं, एग्जाम में सोर्स क्या था उन क्वेश्चंस का, और उनके डिटेल्ड आंसर्स हम लोग सभी टॉपिक्स के, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, सभी के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा बेसिकली वो पाई चार्ट जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना वेटेज किस सेक्शन को सिलेबस के दिया गया है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे वो क्वेश्चंस यूपीएससी ने इस बार क्यों पूछे गए हैं, उनके डिटेल्ड आंसर्स क्या हैं। तो मेरे सामने इस समय जो पेपर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉलिटी का पूछा गया है उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक आर्टिकल डालता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू से अलग रखा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन का बोलता है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब इनवैलिड ठहरा दिया। पहले ही देखते हैं क्वेश्चन क्यों पूछा गया। मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चाहे वो पार्ट्स हो, चाहे वो शेड्यूल्स हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसीलिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। दूसरा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इसीलिए कई बार यूपीएससी 42nd 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन पूछती रही है। पहले भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से अलग रख दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, जी हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अगर आपको याद हो लास्ट 2-3 साल से बहुत चर्चा में है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा 2 ओनली, यानी कि बी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस बार पूछा गया पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, वो पूछा गया इंपीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंपीच करने के प्रोसेस के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए, और पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है।
अब हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछा गया। अप्रैल 2018 में दीपक मिश्रा जो उस समय के चीफ जस्टिस हुआ करते थे उनके खिलाफ एक इंपीचमेंट प्रोसेस लाया गया था और वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के चेयरमैन थे उस समय के उन्होंने उसको रिजेक्ट भी कर दिया था। तो ये सवाल इसीलिए पूछा गया है, यूपीएससी अब दो साल तक के करंट अफेयर्स को जनरली एग्जाम में पूछती है तो ये क्वेश्चन जो है इसीलिए पूछा गया है। अब हम एक एक करके चारों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स हैं और कैसे इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया जा सकता था, कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि जो मोशन लाया जाएगा, जो प्रस्ताव लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, उसको लोकसभा का स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल गलत है। लोकसभा का स्पीकर भी उस मोशन को रिजेक्ट कर सकता है और राज्यसभा का चेयरमैन भी उस मोशन को रिजेक्ट कर सकता है, जैसा कि किया था वेंकैया नायडू जी ने अप्रैल 2018 में। सेकंड स्टेटमेंट है कि संविधान हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जी हाँ, इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये दो टर्म्स जिनके ऊपर, ये दो ग्राउंड्स जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, इसको क्लियरली डिफाइन करता है, ऐसा बोलता है ये स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल गलत है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन दो टर्म्स को क्लियरली डिफाइंड नहीं किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में पूरा प्रोसेस दिया गया है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए क्या मेजोरिटी चाहिए, उसके बारे में बात करी गई, जो कि बिल्कुल सही लिखा है, जो मेजोरिटी लिखी गई है वही चाहिए इसमें। तो बेसिकली इन चार स्टेटमेंट में से अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है, आंसर जो होगा इसका वो होगा 3 and 4 ओनली, यानी कि सी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला गया है 9th शेड्यूल से रिलेटेड बात करी गई है और पूछा गया है 9th शेड्यूल किस प्रधानमंत्री के समय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सवाल एग्जाम में क्यों पूछा गया। एग्जाम में सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि हम क्लास में भी बार बार बताते रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से कुछ भी पूछा जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, शेड्यूल्स और अमेंडमेंट से पूछा तो जा ही सकता है। खास तौर से लास्ट 4-5 सालों में शेड्यूल्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, इसीलिए मैं क्लास में भी आपको बताता हूं कि शेड्यूल्स अच्छी तरह से बच्चा करके जाए। फॉर एग्जांपल 2014 में 10th शेड्यूल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सवाल पूछा गया था, 2015 में 5th और 6th शेड्यूल में सवाल पूछा गया था, 2018 में 9th शेड्यूल पर ही क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी 9th शेड्यूल पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 9th शेड्यूल जो कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए डाले गए थे वो जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय पर डाले थे, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली कि पार्लियामेंट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि उन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा बेसिकली स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले जो 3 स्टेटमेंट्स है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों डाला गया है। पहला स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 कुछ पर्टिकुलर पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जम्प्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस कानून को 5 बार अमेंड किया जा चुका है, यानी कि चेंज किया जा चुका है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेल डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछा गया, सबसे पहली बात पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये दो चैप्टर्स हमेशा से बहुत फेवरेट रहे यूपीएससी के और हर साल गारंटेड तौर पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं पार्लियामेंट के ऊपर भी और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी, और इसीलिए इस क्वेश्चन को इस बार डाला गया है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं यूपीएससी के। अब हम बात करते हैं इन स्टेटमेंट्स की। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि पार्लियामेंट एक्ट 1959 कुछ पर्टिकुलर पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जम्प्ट करता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड जो बेसिकली स्टेटमेंट है वो ये है कि ये कानून 5 बार अमेंड किया जा चुका है, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेल डिफाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम कई बार क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी संविधान के अंदर क्लियरली डिफाइन किया ही नहीं गया है कि कौन से ऑफिस, कौन से पद लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएंगे,
ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेल डिफाइंड नहीं किया गया है। अगर किसी भी एस्पिरेंट को एक थर्ड ऑप्शन पता हो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेल डिफाइंड नहीं किया गया है, तो उसका आंसर वो आसानी से दे सकता है, क्योंकि इसके अलावा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन में सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसमें थर्ड थ्री नहीं है, बाकी बी सी डी में तीन दिया ही हुआ है, थ्री थर्ड जो है स्टेटमेंट दिया ही हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वन एंड टू ओनली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो फिर से शेड्यूल्स के ऊपर है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके सामने, बताऊंगा आपको कि वो क्वेश्चन क्यों लिया गया है और उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन ये है कि कौन से शेड्यूल के अंदर ट्राइबल लैंड को प्राइवेट पार्टीज की तरफ अगर ट्रांसफर कर दिया जाए माइनिंग के लिए तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया, शेड्यूल्स जो है वो यूपीएससी के काफी फेवरेट रहे हैं। 2014 में 10 शेड्यूल, 2015 में 5th और 6th शेड्यूल, 2018 में भी 9th शेड्यूल, और इस साल भी बहुत क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर आए हैं। तो यूपीएससी के शेड्यूल्स फेवरेट रहे हैं, तो क्वेश्चन शेड्यूल के ऊपर आना ही था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की कि कौन सा शेड्यूल जो है वो नल एंड वॉइड कर देता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द ट्राइबल पीपल टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग। इसका आंसर है 5th शेड्यूल। अब अगर ऑप्शंस देखेंगे तो कोई भी सीरियस एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता है। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है थर्ड शेड्यूल। हम जानते हैं थर्ड शेड्यूल जो है वो उसमें ओथ दी हुई है, शपथ दी हुई है सभी लोगों की। सेकंड ऑप्शन है फिफ्थ शेड्यूल, थर्ड ऑप्शन है नाइन्थ शेड्यूल। हम लोग जानते हैं नाइन्थ शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है और नाइन्थ शेड्यूल में कुछ भी ट्राइबल एरियाज यानी शेड्यूल एरियाज की बात नहीं करी गई है। फोर्थ ऑप्शन है 12th शेड्यूल और 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज की बात करी गई है, वहां पर भी शेड्यूल एरियाज या ट्राइबल एरियाज की बात नहीं करी गई है। तो ऑप्शन बचता है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल ऐसे शेड्यूल है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज की बात करी गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिफ्थ शेड्यूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमारी जुडिशरी से रिलेटेड, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ये दोनों स्टेटमेंट्स में पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में इस बार यूपीएससी ने क्यों पूछा और फिर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है कि हाई कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को नल एंड वॉइड करने की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड करने की। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि पार्ट्स, शेड्यूल्स और अमेंडमेंट से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चंस पूछता ही है, जुडिशरी से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, इसीलिए इस बार यूपीएससी ने जुडिशरी से एक क्वेश्चन पूछा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की बात करें तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को भी इनवैलिड कर सकता है। हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एग्जीक्यूटिव के लिए और लेजिस्लेचर के लिए है, जुडिशरी के लिए नहीं है। हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को भी इनवैलिड कर सकता है। तो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, ये भी गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर होगा डी, नीदर वन नॉर टू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी गई है लिबर्टी की डेफिनेशन की। लिबर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि लिबर्टी की डेफिनेशन क्या हो सकती है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया क्योंकि लास्ट चार पांच साल से यूपीएससी आपके फैक्ट्स के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी अब बहुत अच्छी तरह से चेक कर रहा है। लास्ट ईयर्स में लिबर्टी के साथ साथ राइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जहां पूछा है कि राइट्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है।
लास्ट ईयर ही लिबर्टी और लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और इस साल यूपीएससी ने लिबर्टी की एग्जैक्ट डेफिनेशन यानी कि बोल सकते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है डेफिनेशन पूछ ली है। अब मैं चार ऑप्शंस पढ़ूंगा इस क्वेश्चन के और हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, सेकेंड ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, थर्ड ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स और फोर्थ ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। एक्चुअली अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मोटे मोटे तौर पर आपको लगेगा कि चारों ही ऑप्शंस लिबर्टी की डेफिनेशन के लिए हैं या लिबर्टी की डेफिनेशन को बेसिकली लिबर्टी की डेफिनेशन जस्टिफाई करती है, बट ऐसा नहीं है। पॉलिटी के कंटेक्स्ट में द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। क्लास 11 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी में इसके बारे में जिक्र किया गया है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वन सेल्फ खुद को फुल्ली तरह से डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड लिबर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है गवर्नर के बारे में कि गवर्नर के बारे में ये कुछ रिकमेंडेशन किस कमिटी ने या किस कमीशन ने दी थी, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि एग्जाम में इस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन क्यों डाला और इसके साथ साथ हम लोग इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऐसा किसने बोला था, ऐसा रिकमेंडेशन किसने दिया था दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रीसेंट पास्ट। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, चार ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट एआरसी, सेकंड ऑप्शन है राजमन्नार कमेटी, थर्ड ऑप्शन है सरकारिया कमीशन और जो लास्ट ऑप्शन है वो है एनसीआरडब्ल्यू। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये इसीलिए पूछा गया है क्योंकि आपको याद होगा कि कर्नाटका में जब 2018 में सरकार बनी थी तो गवर्नर के रोल पर काफी क्वेश्चन किए गए थे क्योंकि वहां पर कोलिशन को फर्स्ट इनवाइट ना करके बीजेपी को फर्स्ट इनवाइट किया गया था सरकार बनाने के लिए। तो बेसिकली वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है पूछा गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन बेसिकली ये रिकमेंड करता है कि दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट और बाकी बातें भी सरकारिया कमीशन के अंदर लिखी हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरकारिया कमीशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेगुलेटरी बॉडीज से। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछा गया है और इसके बाद हम लोग इसके आंसर की डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी बॉडीज, आपको पांच बॉडीज दी हुई है, उन पांच बॉडीज में से कौन सी बॉडीज टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के रेगुलेटर्स को रिव्यू करती है। क्वेश्चन ये काफी जो है टफ क्वेश्चन मैं बोलूंगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा, उसको टफ क्वेश्चन बोलूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो उस क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बॉडीज, पांच बॉडीज दी हुई हैं, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के रेगुलेटर्स को रिव्यू करती है और जो पांच बॉडीज दी हुई है वो है एडहॉक कमेटी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, फाइनेंस कमीशन, FRLRC और नीति आयोग। बेसिकली क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि मेंस के सिलेबस में रेगुलेटरी बॉडी एक टॉपिक है जो कि जनरली बच्चों को पढ़ना होता है और हम ये देख चुके हैं लास्ट ईयर भी कि मेंस के सिलेबस से भी यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस डालता है, इसीलिए मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एक साथ करनी चाहिए, कभी भी उसको सेपरेट नहीं करना चाहिए। मेंस के सिलेबस से भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन डालता है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है और रेगुलेटरी बॉडी से इस बार एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो पांच बॉडीज दी गई हैं, अगर आप फर्स्ट बॉडी की बात करें तो एडहॉक कमेटी बाय द पार्लियामेंट, एडहॉक कमेटी जो है टेंपरेरी कमेटी होती है, वो कभी भी किसी भी बॉडी को रिव्यू नहीं करती है, किसी भी रेगुलेटर को रिव्यू नहीं करती है। ये कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं कि टेंपरेरी जो कमेटी होगी वो किसी भी बेसिकली बॉडी को रिव्यू या रेगुलेटर को रिव्यू नहीं करेगी।
सेकेंड ऑप्शन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का भी काम जो होता है वो पार्लियामेंट की जो बेसिकली मिनिस्ट्रीज होती हैं वहां पर उनको रिव्यू करना होता है, उनके काम को रेगुलेटर्स को रिव्यू करना नहीं होता है। इसका आंसर बाकी तीनों बॉडीज हैं, दैट इज फाइनेंस कमीशन, FSLRC और नीति आयोग। मतलब इसका आंसर है 3, 4 और 5, ऑप्शन सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी गई है आर्टिकल 142 की, और थोड़ा सा ट्विस्ट करके स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्वेश्चन के बाद बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि बेसिकली प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन द ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है, और चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग, और चौथा ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग। थोड़ा सा जो है टफ क्वेश्चन आप उसको मान सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आप लॉजिक लगाएं तो उस क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर है, वो आंसर है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग ये बात करी गई है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए आर्टिकल 142 की बात करी गई है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 से 329 के बीच दिया गया है। बी ऑप्शन की बात करें सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। सी ऑप्शन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में दी हुई है, और डी ऑप्शन की अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर भी आर्टिकल 152 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे इस क्वेश्चन को, आप आसानी से कर पाएंगे कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जब सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है तो सुप्रीम कोर्ट ही कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड, और उन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में फिर बात करी गई है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जो दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं पढ़ूंगा, फिर हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन क्यों पूछा गया है और उसका सही आंसर क्या है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है कि गवर्नर जो है वो कस्टमरी एड्रेस मेंबर ऑफ द हाउस को एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर दे सकता है। दूसरा जो है वो स्टेटमेंट पूछा गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर बात पर एक पर्टिकुलर मैटर पर स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा में कोई रूल नहीं है तो वो विधानसभा लोकसभा के रूल को फॉलो करेगी। ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली से काफी सवाल पूछे जाते हैं पिछले सालों में यूपीएससी के अंदर, तो स्टेट असेंबली से ये सवाल पूछा गया है जो कि बहुत कॉमन सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के सही सॉल्यूशन क्या है। पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि गवर्नर एड्रेस कर सकता है साल के पहले सेशन में, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये चीज हम लोग लोकसभा के केस में भी देखते हैं और ये चीज हम लोग बेसिकली यहां पर भी देखते हैं। लोकसभा के केस में राष्ट्रपति एड्रेस करता है और विधानसभा के केस में गवर्नर एड्रेस करता है साल के पहले सेशन में। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लोकसभा के रूल्स को स्टेट असेंबली अगर यूज करना चाहे फॉलो करना चाहे तो करेगी, कोई मैंडेटरी नहीं। यहां पर लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर लोकसभा के रूल्स को फॉलो करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर की एक खुद की ऑटोनोमस पावर होती है, यहां पर कोई भी जबरदस्ती नहीं चलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर है ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है फंडामेंटल राइट से, और बोला गया है राइट टू मैरी इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स यूपीएससी का एक बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स में भी फंडामेंटल राइट्स से एक दो क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, और मेंस में भी यूपीएससी कम से कम एक से दो क्वेश्चन हर साल फंडामेंटल राइट्स से पूछता ही है। और अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पूछा गया है कि राइट टू मैरी जो है इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। आर्टिकल 19 की अगर बात करें तो आर्टिकल 19 इज सम कुछ फ्रीडम्स दी हुई है, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, कुछ फ्रीडम्स दी हुई है। आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ। आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 सेकुलरिज्म से रिलेटेड है, और आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज की कुछ राइट्स दिए गए हैं।
या एजुकेशनल कुछ राइट्स दिए गए हैं? इसका सही जवाब है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू मैरी आता है, तो ऑप्शन बी आर्टिकल 21 इज द करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनजीआरबी से रिलेटेड। पीएनजीआरबी एक रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और उससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। मैं तीनों स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों डाला है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर किस तरह सॉल्व किया जा सकता था। तीन स्टेटमेंट में से जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि पीएनजीआरबी जो है वो पहली रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि पीएनजीआरबी कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर द गैस को इंश्योर करती है। तीसरा स्टेटमेंट है वो बोलता है कि पीएनजीआरबी के डिसीजंस को अपील किया जा सकता है ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी में। बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में इसीलिए पूछा गया है क्योंकि यूपीएससी मेंस के अंदर रेगुलेटरी बॉडी सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, और मैं आपको बता चुका हूं कि यूपीएससी ने मेंस के भी टॉपिक्स को प्रीलिम्स में पूछना काफी तीन चार सालों से स्टार्ट कर दिया है। तो रेगुलेटरी बॉडी से इस बार भी दो क्वेश्चंस आए हैं। तो बेसिकली पीएनजीआरबी के बारे में जो ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके बारे में हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। सभी रेगुलेटरी बॉडीज पढ़ना किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सेंस लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि पीएनजीआरबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली रेगुलेटरी बॉडी है। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई भी एक रेगुलेटरी बॉडी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में एस्टैब्लिश हो चुका था, तो कहीं से भी पीएनजीआरबी फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी नहीं हो सकती, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और अगर आप ध्यान से ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए सी और डी में फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब टू एंड थ्री ओनली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू एंड थ्री ओनली। थोड़ा सा लॉजिकल सेंस लगा के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मैं क्लास में भी कई बार बताता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, थोड़ा सा उसमें अटेम्प्ट करना है, फाइट मारनी है। कई बार यूपीएससी जो है वो आप ये चेक करता है कि आप कितने बड़े फाइटर हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, वो बात की बात है, बट क्वेश्चन एक बार पढ़ के जरूर देखिए कि क्या इस क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट आपको पता है, थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल ऐसे ही यूपीएससी डालता है जो कोई भी एस्पिरेंट आराम से सॉल्व कर सकता है। 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर बहुत बड़े मार्क्स होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली बात करी गई है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 की। तीन ऑप्शंस यानी कि तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि तीन स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आया, और उसके बाद फिर हम इसका आंसर देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को 3 महीने प्री डिलीवरी और 3 महीने पोस्ट डिलीवरी की छुट्टी दी जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें क्रचेज हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में मदर को मिनिमम 6 टाइम विजिट करवाई जाएगी। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट्स, वुमेन जिनके 2 बच्चे होंगे उनको कम एंटाइटलमेंट मिलेगा। ये क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम में पूछा क्यों गया। लास्ट ईयर मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल भी आया था जिसमें बोला गया था कि इस एक्ट को बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और हम बताते आए हैं क्लास में रेगुलर पीपीडी ग्रुप में ये चीज़ बताते आए हम लोग कि द हिंदू के अंदर जो भी एडिटोरियल्स आर्टिकल्स आ रहे हैं उनके ऊपर यूपीएससी कम से कम हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस पूछता है। पॉलिटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर पूछता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए आया क्योंकि लास्ट ईयर काफी चर्चा में रहा था ये एक्ट, द हिंदू ने एडिटोरियल बेस पर पब्लिश किया था। अब हम देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट इसके सही हैं और कौन से गलत हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। इस एक्ट के अंदर 26 हफ्ते की छुट्टी एंटाइटल करी गई है, 3 महीना पहले और 3 महीने बाद ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। 26 हफ्ते की छुट्टी जो है एंटाइटल करी गई है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि विमेन को क्रच के अंदर 6 बार मिनिमम जाने की इजाजत होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। 4 बार इजाजत होती है मिनिमम जो विमेन जा सकती है क्रच के अंदर अपने बच्चे को देखने के लिए।
बट तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है जो बोलता है कि दो बच्चे या दो से ज्यादा बच्चे जिस भी उनके पास होंगे उसके लिए एंटाइटलमेंट कम हो जाएगा. तो उसका आंसर है ऑप्शन बेसिकली सी, थ्री ओनली. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, थ्री ओनली इज द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स ये आपने देखा पॉलिटी एंड गवर्नेंस की एनालिसिस. 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस साल पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. अगर आपको इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स की एनालिसिस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे वैसे ही जैसे ही हम नेक्स्ट एनालिसिस अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी नॉलेज बांटेगी उतनी नॉलेज आपकी भी बढ़ेगी. और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच.